वेलकम टू एस एन चौधरी फिजिक्स क्लासेस एट बेडी गुरुकुल. इन लास्ट क्लास आई हैव टॉट यू अबाउट मैग्नीफिकेशन, लीनियर मैग्नीफिकेशन, जिसका फार्मूला आपके वी वाई यू हम लिखते हैं, और उसी में साइन कन्वर्सन के हिसाब से भी बताए थे. वर्चुअल इमेज के लिए वी वाई यू लिखते हैं. अब न्यूमेरिकल में आपको जहाँ भी वी और यू का जो भी साइन आए वो साइन आपको डालना है. एंड टूडे आई एम गोइंग टू डिस्कस पावर ऑफ लेंस, कम्बिनेशन ऑफ लेंस, इन सबको आज हम बताने जा रहे हैं. ये सब जब इम्पोर्टेंट मार्क्स बढ़ जाते हैं तो ये सब सारे इम्पोर्टेंट होते हैं. पूरी पॉइंट के रूप में लिख देता हूँ जिसे आप आराम से लर्न कर सकते हैं. देखो, द एबिलिटी ऑफ अ लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज बीम ऑफ लाइट फॉलिंग ऑन इट इज कॉल्ड The ability of a lens to converge or diverge a beam of light falling on it is called power of lens. इसी को हम पावर ऑफ लेंस कहते हैं. सबसे पहले का मतलब इतने दूर से लाइट रेज आ रहा है उसको एक पॉइंट पे जमा यहाँ कर दे या थोड़ा दूर करके करे. जितनी ज़्यादा कन्वर्ज करेगा मतलब जितने पास में या जितने अधिक में उसके हिसाब से उसका पावर हम डिटरमिन करते हैं. डाइवर्ज कनकेव पर गिरेगा तो लाइट को फैलाएगा, वो कितना जहरी फैलाएगा तो उसका फोकल लेंथ कम हो जाएगा, फोकल लेंथ कम हो जाएगा तो पावर बढ़ गई. तो एबिलिटी ऑफ ए लेंस टू कन्वर्ज और डाइवर्ज. बुक वाले जनरली कन्वर्ज लिखे रहते हैं लेकिन आप कन्वर्ज और डाइवर्ज दो, क्योंकि हम कनकेव भी पढ़ते हैं और कन्वेक्स लेंस भी पढ़ते हैं. एंड ये हो गया बेटा व्हाट इज पावर ऑफ लेंस. ये एक पॉइंट आप डालते हो. इसके नेक्स्ट पॉइंट में आता है इसका मेजरमेंट कैसे करते हैं. तो Power of a lens is equal to the reciprocal of focal length of its focal length in meter. ये मीटर में होना चाहिए. पावर ऑफ लेंस इज इक्वल टू द रेसिप्रोकल ऑफ फोकल लेंथ इन मीटर्स. देयरफॉर पावर ऑफ लेंस दिस इक्वल टू 1/2 फोकल लेंथ ये लिखते हैं, यहाँ ब्रैकेट में लिख देना इन मीटर. ये मीटर में होना चाहिए, ये पावर लिखते हैं. अब मान लो दो पॉइंट आपने लिख दिया तो एक नंबर के क्वेश्चन के लिए तो ये बहुत है. फिर तीसरे में आपका देख लो, ये पॉइंट हम ज़बरदस्ती बनाते आए हैं, बराबर कहते आ रहे हैं. इट इज जनरली डिनोटेड बाय पी से इसको हम शो करते हैं. देखो तो इसमें कोई मार्क्स नहीं मिलने वाला है, लेकिन यदि इसी को आपने देयरफॉर पी इक्वल टू 1/f ब्रैकेट में इन मीटर लिख दिए. लेकिन आपके न्यूमेरिकल बनाते समय कहोगे सर मीटर में कन्वर्ट करें, अब मीटर में है नहीं, सेंटीमीटर में रहता है, तो मीटर को ही हम यहाँ पर क्या कर देंगे, जो सेंटीमीटर है मीटर बनाते हैं. ये हो जाएगा 100/f इन सेंटीमीटर. यदि ऐसे भी लिख सकते हो फार्मूला, यदि ये आपने इंडिकेट कर दिया तो दिस इज ऑल्सो नोन एज ए पॉइंट. ये भी एक पॉइंट बन गया आपके, ठीक है. अब यहाँ पर कहोगे सर ये तो फोकल लेंथ निकालो, हम पावर निकालना चाहते हैं, जैसे आई लेंस है इस सब का, तो हम कैसे पावर निकालेंगे. द एक्सप्रेशन फोर्थ पॉइंट में देखो, द पावर ऑफ लेंस इज गिवन बाय Y as follows. सिंपली हम क्या जानते हैं,
पी इक्वल टू वन बाय एफ हमने सीखा, बट हम क्या जानते हैं, बट वन बाय एफ इक्वल टू अभी पढ़े हो म्यू माइनस वन, सॉरी म्यू तो हमने यूज नहीं किया आप लोगों में, एन माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये आप फार्मूला पढ़े हो लेंस में का फार्मूला पढ़े हो ना। अब इसी आधार पर देयरफॉर पावर इक्वल टू आपके एन माइनस वन, वन बाय आर वन माइनस वन बाय आर टू, ये हम निकालते हैं। आगे बात समझ, इस तरह से पावर के लिए एक्सप्रेशन आप यूज कर सकते हो। फिफ्थ में आ जाओ, एसआई यूनिट, फिफ्थ में एसआई यूनिट ऑफ पावर, एसआई यूनिट ऑफ पावर इज डायोप्टर, डायोप्टर जिसको हम डी लिखा करते हैं, क्या लिखते बेटा, डायोप्टर को हम डी लिखते हैं। डायोप्टर डी, अब यहाँ पर देख लो तो वन डायोप्टर, डायोप्टर का मतलब हो गया वन बाय वन एफ, वन मीटर के बराबर हो, तो इस तरह से क्या हो जाएगा वन बाय वन दैट इज वन। देख लो वन डायोप्टर, डायोप्टर इज द पावर ऑफ, पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ इज हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर, जिनका फोकल लेंथ वन मीटर हो, वन डायोप्टर इज द पावर ऑफ अ लेंस हुज फोकल लेंथ इज वन मीटर। जनरली एफ क्या जानते हो, पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस, इसलिए यहाँ पर 6.5 में लिख लो पावर इज नेगेटिव फॉर कॉनकेव लेंस एंड पॉजिटिव, पॉजिटिव फॉर कन्वेक्स लेंस। फिर कहेगा ऐसा क्यों, एज फोकल लेंथ, फोकल लेंथ ऑफ, फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स इज लेंस इज पॉजिटिव एंड ऑफ कनकेव लेंस, कनकेव लेंस इज निगेटिव, क्योंकि फोकल लेंथ ऑफ कन्वेक्स लेंस हम हमेशा एफ इस साइड लेते हैं राइट साइड में, इसलिए ये पॉजिटिव होता है, तो पावर ऑफ लेंस में ये हम नोट करते हैं। आगे बात समझ में, देखो बेटा ये पॉइंट वाइज लर्न करना है, ऐसे छोटी छोटी पॉइंट है जो करना ज़रूरी है और इस हिसाब से आप कर सकते हो। देखो बेटा यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस है, यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस के बारे में क्या देखना है, जैसे हमें मैग्नीफिकेशन ज़्यादा चाहिए, इमेज क्लियर चाहिए, ब्राइटनेस चाहिए, इन सारी बातों को ध्यान में रखते हुए कई सारे लेंस मिला के एक ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट बनते हैं। अब यहाँ पर कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस का एक क्वेश्चन पूछते लेते हैं, लेकिन शॉर्ट आंसर में भी पूछ लेते हैं, लेकिन बच्चे यहाँ क्लियर कर नहीं पाते, तो ये जैसा लेंस मेकर आपने फार्मूला पढ़ा ठीक वही टेक्निक यहाँ भी है। अब यहाँ पर जो शॉर्टकट में लिखे, तो आपको बार बार मैं कहता हूँ पॉइंट में आप टाइटल सब टाइटल वगैरह बनाया करो। यहाँ पर सबसे पहले हमने दिए इंट्रोडक्शन, कॉम्बिनेशन लेंस क्या है, ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज, यूजेज ए नंबर ऑफ यूजेज अ कॉम्बिनेशन ऑफ, कॉम्बिनेशन, कॉम्बिनेशन ऑफ
lenses to get high magnification है तो बहुत सारे लेकिन आप देख लो a number of optical instruments uses a combination of lenses to get high magnification. हम चाहते इमेज बड़ा से बड़ा बने कैसे बने अभी तक आपने देखा होगा जैसे जनरली बायोलॉजी में इसकी सबसे ज़्यादा ज़रूरत थी जो लाइफ सिस्टम है तो जब तक लाइट माइक्रोस्कोप से दिखाया गया तो हमारे सेल बॉडी का जो सेल है उसमें थोड़ा पार्ट दिखते थे लेकिन जब हम इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप से देखे तो जो एक पॉइंट के रूप में माइटोकॉन्ड्रिया था तो उसके भीतर में स्ट्रक्चर कैसा है थिकनेस कितना है मेम्ब्रेन का साथ साथ उसके भीतर क्रिस्टी भी होता है उस पर डॉट भी होता है रेस्पिरेशन होते हैं ये सारा प्रोसेस हमने सीख लिया तो कंपाउंड माइक्रोस्कोप के बारे में सबसे पहले क्लियर जो है हु डिस्कवर्ड कंपाउंड माइक्रोस्कोप तो पहला था 1590 में जॉनसन एंड जॉनसन ने डिस्कवर किया था और जो प्रोटोप्लाज्म आप सीखते हो बायोलॉजी में प्रोटोप्लाज्म का डिस्कवरर थे आपके लेवेनहोइक उन्होंने अपना लाइट माइक्रोस्कोप बनाया तो वो उस समय 1000 times बड़ा कर देते थे इमेज को और 1932 में जब एम नॉल एंड ई रस्का ने इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप बनाया तो 10^6 times इलार्ज कर दिया गया तो एक छोटा सा इमेज को इतना बड़ा कर देगा तो तभी जाके हमें पता चला जो सेल के भीतर में क्या क्या स्ट्रक्चर्स है इसलिए ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट कहते हैं ए नंबर ऑफ ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट यूज ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेज टू गेट हाई मैग्निफिकेशन यह नोट कर लिया आपने टू गेट हाई मैग्निफिकेशन पहला पार्ट दूसरा पार्ट में लिख लो टू गेट इरेक्ट कहते हैं वर्चुअल इमेज में हमारे बनते हैं टू गेट फाइनल इमेज इरेक्ट विद रिस्पेक्ट टू ऑब्जेक्ट के रिस्पेक्ट में हम इसका फाइनल पढ़ते हैं और इसका क्या यूज करते हैं हमने इसमें हम यूज जो करते हैं यूज टू मिनिमाइज सर्टेन एवरेशन कहते हैं दोष एवरेशंस लाइक कलर एवरेशन जैसे आगे कलर डिफेक्ट्स एस्फेरिकल डिफेक्ट्स ये सब जो हम बनाते हैं कलर डिफेक्ट या स्पेरिकल डिफेक्ट ये सब होता है ड्यू टू सिंगल लेंस जो यूज करते टू मिनिमाइज सर्टेन एवरेशंस लाइक कलर डिफेक्ट स्पेरिकल एवरेशन ये सब सारे एवरेशंस है जो आपके एक सेल यूज करने पर होते हैं उनको कम करने के लिए हम इंट्रोडक्शन में आपने ये पॉइंट इंडिकेट कर दिया अब आपके नेक्स्ट में आ जाओ फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस अब इसमें हम पढ़ते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस अब आपके देखो बेटा बुक में डेरिवेशन दिया हुआ रहता है बच्चे ये पढ़ के जाते हैं और डेफिनेशन पूछ लिया तो बच्चे वहाँ बता नहीं पाते फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लिखते हैं द फोकल लेंथ लेंथ
of the focal length of a length of a single cell, single lens, which replaces a combination of lens. इसका मतलब ये हो गया बेटा, कई सारे लेंस लगा हुआ है, उनको हटा के एक ही लेंस हमने लगा दिया जो वही काम करता है जो सारे मिलके करते थे। तो ये जो छोटा सा एक लेंस हुआ इस या बड़ा सा, इस लेंस को हम कहते हैं इक्विवेलेंट लेंस। यहाँ पर लिखते हैं फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट लेंस, द फोकल लेंथ ऑफ ए सिंगल लेंस व्हिच रिप्लेसेस ए कॉम्बिनेशन ऑफ लेंसेस इज कॉल्ड इक्विवेलेंट फोकल लेंथ। इसको इक्विवेलेंट फोकल लेंथ कहते हैं। इसमें हमने पॉइंट ए बना दिया, यहाँ पर ध्यान दो। बी, इट इज जनरली डिनोटेड बाय कैपिटल एफ से। ये दिखा दिए। अब यहाँ पर जो हम निकालते हैं तत्काल, यहाँ तक आपने देख लिया कॉम्बिनेशन लेंस इंट्रोडक्शन देख लिया, फोकल लेंथ ऑफ इक्विवेलेंट देख लिया। अब आपके एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट लेंस देख लो, फिर डेरिवेशन देखना। एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट लेंस, पहला व्हेन टू लेंसेस आर इन कॉन्टैक्ट, यदि दो लेंसेस कॉन्टैक्ट में हो, देन, जैसे हमने डायग्राम बना दिया, देख लो बेटा ये एक लेंस है, दूसरा लेंस ये आपने बना दिया, दोनों कॉन्टैक्ट में, इसका फोकल लेंथ F1 है, इसका फोकल लेंथ F2 है। अब इनका जो इक्विवेलेंट होगा, देन 1/F, कैपिटल एफ हमने बताया इक्विवेलेंट फोकल एफ से बोलते हैं, तो 1/F इक्वल टू हो जाता है 1/F1 प्लस 1/F2। ये हमारे पास हो गए। बट फोकल लेंथ क्या होता है, बट पावर ऑफ लेंस इज पी इक्वल टू 1/F, फोकल लेंथ होता है फोकल लेंथ। तो इस आधार पर कॉम्बिनेशन का पावर ऑफ कॉम्बिनेशन लेंस को हम तब ये लिख देते हैं पी इक्वल टू 1/P कैपिटल हमने कर दिया, इसको 1/P1 प्लस 1/P2 एंड देयर फोर पी इक्वल टू P1 प्लस P2 प्लस P3 से लेके जितना भी होगा PN तक लिखते हैं। ये हमारे पावर ऑफ लेंस निकालने के लिए। अब इसमें से जो प्लस होगा बेटा, देख लो कनकेव लेंस है तो प्लस माइनस लिखा जाएगा, कन्वेक्स है तो प्लस, तो वो साइन डालोगे तब जो रिजल्ट आएगा पॉजिटिव तो कन्वेक्स की तरह काम किया कॉम्बिनेशन ने, और नेगेटिव आया तो कॉम्बिनेशन ने कॉनकेव की तरह काम किया। अब यहाँ पर देख लो बी पार्ट, व्हेन लेंसेस आर सेपरेटेड बाय डी डिस्टेंस। अब आपके मान लो एक लेंस ये है, दूसरा लेंस ये है, इन दोनों के बीच का डिस्टेंस डी है, इसका फोकल लेंथ F1, इसका फोकल लेंथ F2। तब इसका कॉम्बिनेशन का क्या हुआ, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ, देन आपके हो जाएंगे 1/F इक्वल टू 1/F1 प्लस 1/F2 माइनस
डी वाई एफ वन एफ टू, ये फार्मूला तब इसके यूज होते हैं कॉम्बिनेशन ऑफ लेंस के। यहाँ तक आपने ये देख लिए एक्सप्रेशन फॉर इक्विवेलेंट लेंस, इक्विवेलेंट फोकल लेंथ लिखो बेटा तो बेटर रहेगा, फोकल लेंथ। ये आपके इस तरह से हम निकालते हैं जरूरत पड़ते पर। अब यहाँ पर हम निकालने जा रहे हैं आपको हेडलाइन इंट्रोडक्शन में हो गया, फोकल में हो गए, ये सब इंडिकेट कर दिए जो। अब इसमें से कोई टुकड़ा पूछेगा आज के डेट में अप्लाइड फिजिक्स, इसका मतलब आपसे ये बीच से ये पूछ लिया, बीच से ये पूछ लिया, या पैराग्राफ ऐसे लिख देगा और कहेगा इसका आंसर दो। जिसको आज के डेट में क्वेश्चन आ रहा है ना केस स्टडीज, तो केस स्टडी इसी आधार पर है। यहाँ तक आपने देख लिया, अब आपके देख लो बेटा, अब हम हैव यू रिटेन दिस साइड, हाँ इधर लिख लियो, इधर देख लो, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। दो लेंसेस हैं, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। ये जो हमने आपको बताए हैं ये हम निकालते कैसे हैं ये हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर देखो बेटा, डेरिवेशन ऑफ इक्विवेलेंट फोकल लेंथ ऑफ टू लेंसेस विच आर इन कॉन्टैक्ट। दो लेंसेस हैं जो कॉन्टैक्ट में है, उसका हम फोकल लेंथ कैसे निकालेंगे, यहाँ पर ये डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं। इसमें आपके सबसे पहले एक लेंस ये आपने बना दिया और इसी के कॉन्टैक्ट में दूसरा लेंस आपने ये बना दिया। मान लो इसका फोकल लेंथ एफ वन है, इसका फोकल लेंथ एफ टू है, हमने बराबर बोले हैं इस तरह से खींच लिया करो, इससे आपका पता चलता रहेगा। ये आपके प्रिंसिपल एक्सिस बना दिया, ये ऑप्टिकल सेंटर सी वन, ऑप्टिकल सेंटर सी टू। अब यहाँ पर यदि कहानी बनाते हो तो बहुत लंबे चौड़े बन जाते हैं, मुझे शॉर्ट में लिखना है। ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, यहाँ पर एक पॉइंट ऑब्जेक्ट दिया। अब ये पॉइंट ऑब्जेक्ट से जो रे चलेगा ये आपके यहाँ आया और इस आधार पर ये यहाँ गया, देख लो रिफ्रैक्ट हुआ। इन अब्सेंस ऑफ, मान लो इसको एल वन लेंस, इसको एल टू लेंस लिख दिए, अब ये लेंस नहीं रहता तब ये कहाँ जाता, यहाँ पर बना। यहीं से ध्यान दो, ओ इसको हमने आई वन लिख दिया। तो अब आप इसके लिए देखो, फॉर फर्स्ट लेंस ये इसका यू हो गया और साथ साथ यहीं से चलते हैं, ये हमने वी डैश लिख दिया यहाँ से यहाँ तक। अब यहाँ पर लिखोगे कैसे, ये देख लो बेटा, बना दो पॉइंट इसको भी, हाँ द एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट, एस्केमेटिक रे डायग्राम ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट फॉर्मिंग इमेज हैविंग कॉमन प्रिंसिपल एक्सेस इज शोन इन फिगर। यदि इतना नहीं ध्यान रहते हैं तो एस्केमेटिक डायग्राम ऑफ द सिचुएशन इज शोन इन फिगर करके काम चल लिए,
हेयर ओ बी में देख लो, ओ इज अ पॉइंट ऑब्जेक्ट, पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस, प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज, हुज इमेज इज आई वन बाय लेंस एल वन इन अब्सेंस ऑफ लेंस एल टू। वो इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट जिसका इमेज आई वन बना है, मैंने जो लिखा है वो बता रहा हूँ। वो इज ए पॉइंट ऑब्जेक्ट ऑन द प्रिंसिपल एक्सिस हुज इमेज इज आई वन बाय लेंस एल वन, एल वन लेंस ने बनाया है इन अब्सेंस ऑफ लेंस एल टू। ठीक है, अब यहाँ पर यूजिंग लेंस फार्मूला, यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला हमारे पास क्या है, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। लेंस फार्मूला ये है, यहाँ पर वी यू एफ सब का साइन लिखो। हेयर वी इक्वल टू, तो हमने वी डैश लिख दिया, यू इक्वल टू यू ही है और एफ के जगह पर एफ वन हमने लिखा। देखो बेटा ध्यान दो, यहाँ पर ये हमने लिख दिया, इस फार्मूले में ये पुट कर देंगे तो देखो हमारे पास रिजल्ट क्या आ गया। रिजल्ट आ जाएगा वन बाई वी डैश माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ वन, फर्स्ट इक्वेशन बन गया हमारे पास। अब आपके बी के बाद सी पॉइंट पर आ जाओ, बट लेंस L2 इज प्रेजेंट इन द पाथ ऑफ रे, सो अगेन रिफ्रैक्शन अकर्स। The path of refracted ray by L1, but lens L2 is present in the path of refracted ray of L1. Again refraction occurs, so again refraction occurs and Here, I1 acts as virtual object for lens L2 and its final image is I। अब यहाँ पर देख लो बेटा, यहाँ पर हमने क्या कहा बनता, लेकिन ये यहाँ से यहाँ पर हमने देखो, यहाँ से यहाँ तक ये कंटिन्यूस आ गया और फिर रिफ्रैक्ट होके ये यहाँ बन गया आई। अब इसके लिए देख लो, इस लेंस के लिए भी ये हो गया और इसके लिए आपका इस लेंस के लिए जैसे ये लिखे हैं यू ये हो गया। आपने लिखे ना U इक्वल टू वी डैश, कहोगे क्यों सर इतना, बोथ लेंसेस आर थिन, सो यहाँ से डिस्टेंस मेजर करें और यहाँ से मेजर करें, दोनों को सेम माना गया है। अब यहाँ पर देख लो, नाउ हेयर U इक्वल टू वी डैश, इसके लिए जो वी डैश यहाँ से लेते थे तो यहाँ से भी हम वी डैश ही लेते हैं। लेंसेस आर थिन एंड आर इन कॉन्टैक्ट, मैं यहाँ नोट कर देता हूँ, डोंट वरी। देखो I यूजिंग लेंस फार्मूला, लेंस फार्मूला
यहाँ पर वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाई एफ। अब इसमें क्या क्या गिवन है, वी इक्वल टू वी लिखें, यहाँ लिख देते हैं बोथ लेंसेस लेंसेस आर थिन एंड इन कॉन्टैक्ट इन कॉन्टैक्ट। सो सी वन सी वन आई वन इक्वल टू सी टू आई टू दिस इक्वल टू यू। यू हम यूज करते हैं इसके लिए, यहाँ पर यू इक्वल टू वी डैश। आ गया बात समझ में? देयरफोर आपके यू इक्वल टू हम क्या लिखेंगे, वी डैश लिखेंगे। बेटा ये लेंस वर्चुअल ऑब्जेक्ट का काम करता है, इसका डिस्टेंस इस लेंस से, और इसमें आपके एफ इक्वल टू एफ टू लिखेंगे, तो फॉर्मूला हम पुट कर दो, तो वन बाई वी, वी की जगह पर तो वी रहा, वन बाई यू की जगह पर वी डैश। कहोगे बेटा साइन आपने तो लिखा नहीं, तो बेटा ऑलरेडी लेंस फार्मूला निकालते समय साइन हम यूज कर चुके हैं, इसलिए यहाँ पर मुझे इसकी देने की जरूरत नहीं है। अब यहाँ पर हो गया वन बाय एफ टू, ये सेकेंड इक्वेशन हो गए, ये हमारा आपका फर्स्ट इक्वेशन था। अब यहाँ पर देखो डी में एडिंग एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड, अब एडिंग फर्स्ट एंड सेकेंड हम करते हैं, तो देख लो क्या मिल गया हमें, वन बाय वी डैश माइनस वन बाय यू प्लस वन बाय वी डैश माइनस वी वन बाय वी डैश दिस वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू। अब इसमें से देखते हैं ये और ये कैंसिल हो गया, रिजल्ट क्या हो गया, वन बाय वी माइनस वन बाय यू इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू। ये हमने फोर्थ थर्ड इक्वेशन लिख दिया। इफ नाउ इफ अ लेंस इफ अ सच लेंस लेंस इज यूज्ड टू मेक इमेज इमेज आई ऑफ ऑब्जेक्ट ओ इफ अ सच लेंस इज यूज टू सिंगल सच सिंगल लेंस, यहाँ पर सिंगल लिख देता हूँ, इफ सच सिंगल लेंस इज यूज टू मेक इमेज आई ऑफ ऑब्जेक्ट ओ हैविंग हैविंग फोकल लेंथ कैपिटल एफ, देन हमारे पास क्या हो जाएगा, वन बाई वी माइनस वन बाई यू इक्वल टू वन बाय एफ। इसका मतलब अब इस पूरे लेंस को हमने हटा दिया, एक सिंगल लेंस यहाँ रख दिया जिसने इस ऑब्जेक्ट का इमेज यहाँ बना दिया, या कंटेक्ट पर रख देंगे ये यू वही काम करेगा, भी यही काम करेगा, वो ऑब्जेक्ट का इमेज आई पर वो बना देगा। तो वन बाई वी माइनस वन बाई इक्वल टू वन बाई एफ, ये हमारा हो गया फोर्थ इक्वेशन। फ्रॉम फ्रॉम थर्ड एंड फोर्थ, यहाँ पर देख लो एल एच एस में जो है वही एल एच एस में यहाँ है, तो इक्वल टू हो गया वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू। ये हमारे दिस इज रिक्वायर्ड रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन फॉर ए बी सी डी तक हम दिए, ई पॉइंट में लिखो फॉर अ कॉम्बिनेशन ऑफ एन लेंसेस तो वन बाय एफ इक्वल टू वन बाय एफ वन प्लस वन बाय एफ टू एंड सो ऑन वन बाय एफ वन, जितने भी लेंस रहेंगे उतना हम इतना तक बना सकते हैं। अब मेरे ख्याल से ये डेरिवेशन आपके समझ में आ गया होगा,
फिर भी कोई प्रॉब्लम है तो जब वो ऑब्जेक्ट का पहला इमेज आई वन बना, यहाँ पर हमने यू वी का फॉर्मूला यूज किए, इसी को इन्होंने फिर से रिफ्लेक्ट किया और यहाँ बना दिया। तो इस आधार पर जैसे यहाँ तक आ रहे थे सीन में, इसके डायग्राम को और थोड़ा क्लियर कर देते। देखो ये सीन में जा ही रहा था, यहाँ रिफ्लेक्ट हो गया तो ये बना। इसमें रे डाल डायरेक्शन डालना मत भूलना। इस तरह से आप के कोर्स में केवल यही है, कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस इन कॉन्टैक्ट और कॉम्बिनेशन ऑफ टू लेंसेस सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस इज नॉट आउट ऑफ कोर्स है। ये पहले हम लोग पढ़ाते थे जो अब नहीं है। ओके समझ गए। देखो बेटा आप वीडियो देखो, एक एक पॉइंट नोट करो। जैसे कहते हैं सब टाइटल लगाना या कैप्टेशन लगाना, ये हमने नहीं किया है, लेकिन ये पूरा पूरा माय वीडियो विल वर्क एज अ लेक्चर एज वेल एज नोट्स। ये नोट्स की तरह भी काम करेगा और लेक्चर की तरह काम करेगा। तो लेंस चैप्टर का ये आपके ओवरव्यू है।